टेक्निकल एक क्लास फिर से लेके आएगा, जो हमने कल पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन, उसी में से जो मेरा बचा हुआ पोर्शन है वो देख लेते हैं। अभी क्या हम पढ़ेंगे, बर्नौली इक्वेशन का जो मेरा बचा हुआ था प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसमें से एनर्जी पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज दैट आप मान लो कोई आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे ये आपने एक टैंक बना दिया है, कोई डिस्टेंस है भैया, क्या चल रहा है, फ्लूड मैकेनिक्स कौन पढ़ेंगे, SSC JEE वाले, RRB JEE वाले, JK SSB JEE वाले एंड झारखंड JK JEE वाले, JK JEE एंड RJEE, जितने AJEE लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसकी हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, भी पढ़ेंगे अपने बारे में कि ये एग्ज़ाम के बारे में कौन सा सवाल कैसे आता है, उसका टॉप से है ये, तो देख लेते हैं। तो क्या देख लेते हैं भाई, आज हम क्या पढ़ लेंगे, मान लो आपके कोई डिस्टेंस है, मान लो हमने इतनी ऊँचाई पर, ये आपका बेस है, इस ऊँचाई पर इतनी ऊपर हमने कोई पानी रख दिया, इतनी ऊपर मैंने कोई टैंक बनाया, उस टैंक में मैंने इस हिसाब से इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो भाई अगर इसमें लिक्विड भरा है तो किसी ऊंचाई पे भरा है, मान लेते हैं h ऊंचाई है, ऊंचाई पर भरा हुआ है। अभी हम मान लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, एक मेरा इस टाइप का जार है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, तो आपको पता है कि जो लिक्विड भरा होता है तो वो उस शेप पे डिपेंड नहीं करता, जैसे शेप अगर इस टाइप का है या इस टाइप का है तो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो अब किस पे डिपेंड करेगा, अगर मेरे पच्चू इसमें भरा हुआ लिक्विड है तो जाहिर सी बात है अभी ये रुका हुआ है तो इसमें दो एनर्जी आएंगी, एक तो डिस्टेंस पे है ये, दूसरी बात रुका हुआ है, फिर अब ये रुका हुआ है तो इसमें कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पहली एनर्जी कौन है, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने अपने काम के लिए, कोई मेरा ज़रूरी काम था, कोई आपका बहुत इम्पोर्टेंट काम था, आपने क्या कर दिया, इस पोर्शन पे इतने पे छेद करके और यहाँ से पानी को फ्लो करवा दिया, यहाँ से छेद करके। तो जब पानी फ्लो हुआ, तो जैसे ही पानी फ्लो हुआ तब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। पहले पानी रुका हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही पानी फ्लो किया तो कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो, अब ये क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू काइनेटिक एनर्जी, कि भाई जब रुका हुआ था कोई फ्लूड किसी डिस्टेंस पे तो आपने माना कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, फिर जो फ्लो करने लगी तो वो काइनेटिक एनर्जी, जैसे फ्लो करेगी एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसकी एनर्जी चेंज होगी तो पोटेंशियल होगी। काइनेटिक क्या है, mgh है, किसी हाइट पे लगा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, शायद आपको पता होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, mgh मतलब हाइट पर लगा है, अगर मैं जेड कर दूँ किसी को कोई दिक्कत, क्यों जेड कर रहा हूँ, चूँकि हमने पढ़ रखा है p/v² / 2g + z = c, आपने ये पढ़ रखा है, ये क्या है, p/w + v² / 2g + z = c। z के टर्म में निकाल लूँ कोई समस्या नहीं है। अब हमने पढ़ा था p/w प्रेशर एनर्जी है, v² / 2g ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस जेड क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सी कांस्टेंट है, ठीक है। अब बर्नौली में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या पाएंगे कि mgz पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, ठीक है। अगर मैं m की बात करूं, देखो ध्यान से m को, m में क्या है, मास है इंटू ग्रेविटी है, कि भाई अगर मास किसी चीज़ में होगा, सपोज दैट आप 50 किलो के हैं, जैसे कोई कहता है कि आप 50 केजी के हैं, एक्चुअली आप 50 केजी के नहीं हैं, आप 50 केजी इंटू जी, उसमें
ग्रेविटी भी जोड़ दो, भाई आप फोर्स भी लगा रहे हैं नीचे की तरफ, वो भी ऐड होगा, तब जाकर के आप होंगे। तो ये मास है, मास का मतलब होता है सिर्फ मास। जैसे हमने इसमें जी जोड़ा तो ये क्या हो गया, एम जी। एम जी का मतलब क्या हुआ, न्यूटन। मतलब एक फोर्स भी इसमें क्रिएट हो रहा है जो नीचे की तरफ लग रहा है। और वी क्या है, वी की अगर मैं बात करूँ तो वी मेरी है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी उसको बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। मतलब हर पॉइंट पे चेंज होती जब वेलोसिटी जाती है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं किसी भी फ्लूइड की। चीज़ें क्लियर है, अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, इसमें एम क्या हमने लिखा है, एम जी जेड भाई पोटेंशियल एनर्जी, जब फ्लो किया तो काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने पता है एम इधर है, काट दो, क्या बचेगा, जी जेड इजकल टू हाफ वी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं जेड यहाँ रखना चाहूँ और जी इधर ले जाऊँ तो इधर क्या बचेगा, वन वी, तो कोई बात नहीं, तो वी स्क्वायर, टू पहले से था और जी इधर आया है तो क्या हुआ, टू जी। तो सुनो, तो क्या हुआ, यहाँ से क्या निकल गया कि जेड इजकल टू वी स्क्वायर बटा टू जी। ये क्या निकल के आया, जेड इजकल टू वी स्क्वायर बटा टू जी। और देखो यही फार्मूला इसमें पुटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब हमने क्या बात किया, वी इज इक्वल टू जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी कब निकाली, जब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थी और प्लस हमने उसमें क्या जोड़ दिया, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जोड़ा तो मैंने क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी। कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, जो कि इस फॉर्म में रखी हुई। और ये क्या है, प्रेशर प्लस जेड क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने कौन सा फार्मूला ईजाद किया है भाई गॉड, वी स्क्वायर बटा 2G फॉर्म आया है। ये कौन से अजम्पशन से आया है मेरा, ये आया है बर्नौली, बर्नौली इक्वेशन से। कहाँ से आया है, ये आया है बर्नौली इक्वेशन से। बर्नौली इक्वेशन में इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड इन विस्किड एंड सरफेस टेंशन जीरो, विस्कोसिटी जीरो और नॉन विस्कस, इस इतनी अजम्पशंस होते हैं बर्नौली के। तो बर्नौली के अजम्पशंस इतने होते हैं, वी इसका टू जी, ये काइनेटिक हेड है इसका। तो हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल ली है। अगर ये फ्लो किसी एच पे लगा है तो भाई जाहिर सी बात है कि उस पर इतने फोर्स वर्क करेंगे वो रुका होगा, स्टैटिक है। जैसे ही मोशन में जाएगा वो डायनेमिक हो जाएगा या वो काइनेमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो डायनेमिक, काइनेमेटिक, काइनेटिक, स्टैटिक, इनके अलग फंडे हैं। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ फ्लूइड, डायनेमिक का मतलब मोशन करता हुआ फ्लूइड। अब मोशन करने में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक काइनेटिक एक काइनेमेटिक। काइनेमेटिक में सिर्फ हम मोशन कंसीडर करेंगे कि फोर्स सिर्फ मोशन कर रहा है, लेकिन काइनेटिक में हम मोशन प्लस फोर्स, मतलब वो जो फ्लूइड है अगर मोशन कर रहा है तो किसी फोर्स की वजह से कर रहा होगा। और फ्लूइड पे सिर्फ लिक्विड पे सिर्फ दो फोर्स लगेंगे, एक कंप्रेसिबल फोर्स, एक शियर फोर्स। टेंशन फोर्स इसमें नहीं लगता, टेंशन फोर्स मेरा सॉलिड में लगता है। लिक्विड में सिर्फ दो फोर्स लेंगे, कंप्रेसिबल जो आपका होगा क्या बोलते हैं माइनस नेचर का यानी कि नेगेटिव, दूसरा लगेगा मेरा शियर फोर्स जो कर्तन होगा, जो उसको शियर करता हुआ जाएगा। जब कर्तन फोर्स लगेगा तो उसकी चेंजेस होंगी, लिक्विड होगा हर पॉइंट पे चेंज करेगा। उस हिसाब से मेरा यहाँ क्या बोल रहा है, जब जैसे ही यहाँ से फ्लो पानी किए करेगा तो उसमें कई चेंजेस आप देखेंगे। भाई पानी फ्लो करेगा हर एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तभी हमने यहाँ से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल के इस फॉर्मूले पुट कर दिया है। ये बर्नौली का अजम्पशन से वी स्क्वायर टू जी। आज इतना ही रखते हैं, कल के लिए अगर आज इतना पढ़ लेंगे ना आप, कल चीज़ें तभी समझ में आएंगी, क्योंकि कल बर्नौली का जो मेरा थॉट है यानी कि उसका जो फार्मूला अदर है यानी कि पी बटा डब्ल्यू फिर जेड, ये कहाँ से आया। आज तो हमने निकाला है वी स्क्वायर बटा टू जी, आज हमने क्या निकाला है, वी स्क्वायर टू जी जो मैंने जेड के टर्म में यहाँ से निकाल लिया है। अगर मैं पी डब्ल्यू एंड जेड की बात करूँगा तो कल बात करूँगा, तो मैं कल बात करूँगा। अभी सिर्फ इतना पढ़ो, इस पोर्शन को पढ़ो, कल दोनों पोर्शन पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से आई मेरी चीज़ें, क्लियर है। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कल देखते हैं। आज इतना ही रखो, कल आते हैं दूसरी क्लास में कुछ और अलग सा लेकर के, कुछ अलग सा लेकर के। ओके बाय बाय, तब तक पढ़ते रहिए, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ते रहिए। ओके।